পাশে পাশে বসে পায়ে পায়ে কখনো চলে যাই দূর এ জীবন উদযাপনের সুখ রেডিও রেডিও জাদু कम्युनिटी रेडियो जादवपुर यूनिवर्सिटी। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो जेयू 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं श्रेया चैटर्जी, आइए स्वास्थ्य रखिए कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है एडिनोवायरस का प्रभाव और प्रतिरोध। एडिनोवायरस के संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में हलचल मची है। कोरोना के बाद ये जानलेवा बीमारी काफी तेजी से दुनिया भर में फैल रही है। बहुत से बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसे डबल डीएनए वाला वायरस भी बोला जाता है। एडिनोवायरस वायरस का एक समूह है जो आपके आंखों के वायुमार्ग और फेफड़ों को संक्रमित करता है। ये संक्रमण आमतौर पर केवल हल्के लक्षणों का कारण बनता है और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से बच्चों में अधिक गंभीर हो रहा है। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन में जुड़े हैं डॉक्टर राजीव जोशी, बाल विशेषज्ञ। आइए जान लेते हैं उनसे इस जानलेवा वायरस के बारे में। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वायरस मुख्य रूप से छोटे बच्चों को ही संक्रमित कर रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एडिनोवायरस काफी कॉमन है बच्चों में और आमतौर पर इससे सर्दी या खांसी होती है। 10 साल की उम्र तक हम सब ने कभी ना कभी एडिनोवायरस का सामना किया है, लेकिन अभी जो एडिनोवायरस स्ट्रेन हम देख रहे हैं ये कंटेजियस और डेंजरस है और बहुत जल्दी भी फैलता है। ये उन बच्चों में जानलेवा हो सकता है जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स। बच्चों में अक्सर फिजिकल कांटेक्ट कॉमन है, जैसे कि स्कूल में या फिर खेलते वक्त, और इसलिए ये उन लोगों में ज्यादा फैलता है। तो अभी मौसम में परिवर्तन होने के कारण सर्दी खांसी बुखार भी काफी ज्यादा हो रही है, तो एडिनोवायरस और आम सर्दी खांसी में क्या फर्क है? दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि एडिनोवायरस के लक्षण भी कॉमन फ्लू जैसे, लेकिन अगर बुखार हुआ और वो 3 दिन के बाद भी नहीं उतरा तो वो सीरियस इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। ऐसे मामलों में किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। वैसे इसके अलावा और कुछ खास डिफरेंस है नहीं दोनों में। अगर एडिनोवायरस के लक्षण दिखाई दे तो क्या मेडिकल परीक्षण करवाने की जरूरत है? अगर माइल्ड इन्फेक्शन की सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार और गले में खिचखिच, तो घर पे ही ट्रीटमेंट हो सकता है। एडिनोवायरस कॉमन है और एक माइल्ड फ्लू जैसा ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जी। कोई भी जनरल फिजिशियन से आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे लूज मोशन, लाल आंखें और सांस लेने में तकलीफ, तो फिर तुरंत टेस्ट करवा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। और अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा है और ब्रीथिंग इश्यूज है, तो इसका मतलब ये एक सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इस मामले में किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर ले। अच्छा, आपने बताया कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं प्लीज हमें बताइए। जी बिल्कुल, हो सकता है कुछ केसेस में निमोनिया, कान में इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस, जो कि एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन में, ये हो सकता है। इसके अलावा स्किन रैशेस, डायरिया, उल्टी या फिर कंजक्टिवाइटिस होने के भी चांसेस है। कुछ केसेस में एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो कि एक ब्लॉकेज है लंग्स में, वो हो सकता है। और कुछ कंट्रीज में सीरियस इन्फेक्शन से लिवर हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर में इन्फेक्शन भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन अभी तक इंडिया में किसी भी पेशेंट में अभी दिखाई नहीं दिया है। क्या एडिनोवायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है? दोनों में एक मेजर डिफरेंस यह है कि एडिनोवायरस ज्यादातर बच्चों में होता है और कोरोना वायरस बड़ों में, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है
या फिर दूसरे सीरियस हेल्थ इश्यूज है जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, उनके लिए दोनों वायरस जानलेवा हो सकता है। हाँ, लेकिन कोरोना वायरस से जो तबाही मची थी वो एडेनो वायरस से होने के चांसेस कम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था ये वायरस बहुत कॉमन है, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका सामना किया है। कोरोना वायरस के वजह से तो काफी हल दुनिया में मची थी, तो एडिनो वायरस के खिलाफ हमारे देश में अभी क्या स्थिति है? अभी इंडिया में हम इस नए स्ट्रेन को स्टडी कर रहे हैं और जी आशा करते हैं कि जल्दी कोई सलूशन मिल जाएगा, जैसे कोरोना वायरस के साथ हुआ था। कुछ केसेस में हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी फुल होने के कारण बच्चों की जान जा रही है, तो उसके लिए भी हमने कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशंस निकाला है। मेकशिफ्ट आईसीयू और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बंदोबस्त करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि सारे पेशेंट्स को बचाया जाए, स्पेशली जो आईसीयू में एडमिट है। ये एडिनो वायरस मैक्सिमम पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में फैल रहा है, तो इन दो जी स्टेट्स में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो अन्य प्रिकॉशंस हमने कोरोना संक्रमण के वक्त लिए थे वो फिर से चालू कर दिया गया है। अच्छा, विशेषज्ञों के हिसाब से आपको क्या लगता है, कब तक आ सकता है इस वायरस का इलाज? देखिए, एडिनो वायरस का कोई इलाज नहीं है क्योंकि आमतौर पर ये माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, जी तो ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल से काफी केसेस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो सीरियस इन्फेक्शन है उनके लिए मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड करूंगा। अगर किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा हो जिसका फीवर कम नहीं हो रहा है या फिर सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा है, तो उस बच्चे को इमीडिएटली किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजे और उनका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए। अंत में हम जानना चाहेंगे कि परिवार को क्या सावधानियां लेनी चाहिए ताकि बच्चे इस वायरस से सुरक्षित रहे या फिर फैमिली भी सुरक्षित रहे। जी, मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो प्रिकॉशंस हमने कोरोना वायरस के टाइम पे लिए थे वही प्रिकॉशंस हम फिर से लेना चाहिए। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए, मास्क मैंडेटरी कर दीजिए, स्पेशली आप जब बाहर जा रहे हो, और हाथ पैर को अच्छे से साबुन से धोइए। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको फल, दूध, ताज़ा सब्जी खिलाइए, बाहर का खाना कम कर दें या फिर एटलीस्ट कुछ महीनों तक, और कोई भी सिम्टम्स हो उसको मॉनिटर करें। अगर माइल्ड सर्दी खांसी भी हो तो भी उनको गौर से देखिए, अगर सिम्टम्स बढ़ जाए तो बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। हम आशा करते हैं कि सारे सावधानियों को फॉलो करने से बच्चे सुरक्षित रहेंगे और ये मुसीबत जल्दी खत्म होगा। धन्यवाद डॉक्टर। आप सुन रहे थे हमारा विशेष पेशकश एडिनो वायरस का प्रभाव और प्रतिरोध हमारे आइए स्वस्थ रहिए कार्यक्रम में कम्युनिटी रेडियो JU 90.8 MHz पर। हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव जोशी, उनसे हमने जाना एडिनो वायरस के बारे में। अगर आपको हमारा ये विशेष पेशकश पसंद आया तो हमें कॉल कीजिए 2457-2620 नंबर पे। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें मेल भी कर सकते हैं radiojayu@gmail.com पे या हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो JU पे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे विशेष पेशकश के लिए सुनते रहिए रेडियो JU 90.8 MHz। धन्यवाद। Radio, Radio, Jadu. 90.8 MHz, Community Radio, Jadavpur University.